नमस्कार, मैं प्रिया। आज 27 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आम की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मिलेगी आर्थिक मदद। डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए आज से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन। बिहार में बालू पट्टे के लिए नियम हुए सख्त। बिहार के कई जिलों में तेज बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। रणजी ट्रॉफी का पहली बार चैंपियन बना मध्य प्रदेश। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आम की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मिलेगी आर्थिक मदद। बिहार के किसानों को अब आम की पैदावार बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद मिलने वाली है। बीते दिन ही राजधानी पटना के ज्ञान भवन में आम महोत्सव का 2 दिवसीय आयोजन किया गया। रविवार को इस महोत्सव का दूसरा दिन रहा, वहीं इस महोत्सव की शुरुआत शनिवार को हुई थी। इस आम महोत्सव का उद्घाटन कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किया था। इस महोत्सव में विभिन्न जिलों के सैकड़ों किसान जुटे थे। बड़ी संख्या में लोग यहां पर आमों की प्रदर्शनी भी देखने आ रहे हैं। इस महोत्सव के उद्घाटन के बाद कृषि मंत्री ने कहा है कि बिहार में लगातार फल और सब्जी उपजाने के लिए सरकार के द्वारा किसानों की मदद ली जा रही है। हालांकि पिछले साल कोरोना संक्रमण के कारण आम महोत्सव नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार विभाग की तरफ से इस महोत्सव को मनाया जा रहा है। डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए आज से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन। बिहार में डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला है। एनसीटीई से मान्यता प्राप्त सरकारी और निजी प्राथमिक स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों में डीएलएड पाठ्यक्रम के सत्र 2022-24 में नामांकन के लिए डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ये आवेदन 17 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे। इसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सारी जानकारी साझा कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी डीएलएड प्रवेश परीक्षा का आवेदन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com या फिर biharboardonline.bihar पर जाकर देख सकते हैं। ध्यान रहे, इसके लिए सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को ₹960 का परीक्षा शुल्क जमा कराने होंगे, वहीं अन्य आरक्षित वर्ग को ₹760 लगेंगे। बिहार में बालू पट्टे के लिए नियम हुए सख्त। बिहार में बालू खनन नई नीति के तहत अक्टूबर से लागू होने वाला है। अब इस नई नीति के तहत खनन शुरू होने वाला है। हालांकि अब सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। इन परिवर्तनों पर मंत्रिमंडल की मुहर भी लग चुकी है। इसको लेकर खान एवं भूतत्व विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। 2019 में बनी नीति में 3 अहम संशोधन किए गए। नए नियम इस साल 2022-23 से ही प्रभावी माने जाएंगे। नीति 2019 में संशोधन के पूर्व ये व्यवस्था थी कि नीलामी के बाद उच्चतर बिडर को नीलामी राशि के 10% का भुगतान प्रतिभूति जमा के लिए रूप में करना होता है। इसके बाद ही स्वीकृति का आदेश बिडर के पक्ष में किया जाएगा। नई व्यवस्था में उच्चतम बोली लगाने वाले को नीलामी राशि का 10 नहीं बल्कि 25% हिस्सा प्रतिभूति के नाम पर जमा करना होगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रविंद्र प्रभात की। रविंद्र प्रभात भारत के हिंदी कवि, कथाकार, उपन्यासकार, व्यंगकार, स्तंभकार, संपादक और ब्लॉग विश्लेषक है। उन्होंने लगभग सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन किया है, परंतु व्यंग और गजल में उनकी प्रमुख उपलब्धियां हैं। 1991 में प्रकाशित अपने पहले गजल संग्रह हमसफर से पहली बार वो चर्चा में आए। लखनऊ से प्रकाशित हिंदी दैनिक जन संदेश, टाइम्स और डेली न्यूज एक्टिविस्ट के वो नियमित स्तंभकार रह चुके हैं। इनका जन्म 5 अप्रैल 1969 को मही द्वार गांव सीतामढ़ी जनपद बिहार के एक मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बेला परिहार के राजकीय प्राथमिक विद्यालय और सीतामढ़ी के ओरिएंटल मध्य विद्यालय, मथुरा उच्च विद्यालय और राधाकृष्ण गोयनका कॉलेज में हुई थी। बिहार के 14 शहरों में बनेंगे बाईपास। बिहार में सड़कों का जाल बिछाने में जिस हिसाब से बिहार की नीतीश सरकार लगी हुई है, ऐसे में सरकार की मदद केंद्र में बैठी भाजपा सरकार भी कर रही है। इसी बीच अब केंद्र सरकार की तरफ से बिहार के 14 शहरों में बाईपास बनाने को लेकर मंजूरी मिल गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिन शहरों में सड़कों को सुदृढ़ करने की तैयारी हो रही है, उसमें इन शहरों के बीच से अभी सड़क गुजरती है। यहां अक्सर गाड़ियां जाम में फंस जाती हैं। यहां तक कि पैदल आने जाने वाले यात्रियों को भी जाम के चलते काफी परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसके बाद ही कुछ समय पहले ही बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने नेशनल हाईवे को देखने वाले अपने विभाग के अधिकारियों को बाईपास सड़क बनाने की योजना को केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया था। बिहार के अश्विनी देशभर में करेंगे बिहार का प्रतिनिधित्व। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इस बीच अब बिहार की तरफ से एक और प्रतिभा बिहार का नाम देशभर में रोशन करने वाली है। बिहार के खो खो खिलाड़ी अश्विनी रंजन का 4थी एशियन खो खो चैंपियनशिप के लिए इंडियन कैंप में चयन करने का काम कर लिया गया है। खबर के अनुसार 4थी एशियन खो खो चैंपियनशिप में भाग लेने वाली संभावित भारतीय खो खो टीम का ट्रेनिंग कैंप आगामी 5 से 19 जुलाई तक पुणे के श्री छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वालेवड़ी में होगा। अश्विनी रंजन के चयन होने पर खो खो एसोसिएशन ऑफ बिहार के पदाधिकारी और खिलाड़ियों ने खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 13 जुलाई को पटना आएगा बैलेट
पेपर। देशभर में इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। चुनाव आयोग के अधिकारी हर दिन बिहार के निर्वाची अधिकारी के संपर्क में है। 13 जुलाई को चुनाव के 5 दिन पूर्व नाम वापसी की अंतिम तारीख समाप्त होने के बाद पटना बैलेट पेपर पहुंच जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 जून निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जाँच 30 जून को की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 2 जुलाई निर्धारित की गई है और मतदान के लिए 18 जुलाई का समय निर्धारित किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से भवन निर्माण विभाग, दूरसंचार विभाग और ऊर्जा विभाग सहित सभी महत्वपूर्ण विभागों के साथ समीक्षा की जाएगी। बिहार के 6 और शहरों का बनेगा मास्टर प्लान। राज्य के 6 और शहरों का भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि GIS आधारित मास्टर प्लान बनाने की तैयारी हो रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसके लिए एजेंसी की खोज शुरू कर दी है, जिसके बाद ही अब जिन आधा दर्जन शहरों का मास्टर प्लान बनाना है उसमें अररिया, फारबिसगंज, खगड़िया, लखीसराय, जमुई और भभुआ शामिल है। इन 6 शहरों का प्लानिंग एरिया पहले ही तय हो चुका है। इसमें शहरी क्षेत्र के साथ आसपास के ग्रामीण इलाके भी शामिल है। इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। वहीं अब एजेंसी की मदद से इनके सुनियोजित विकास का खाका तैयार किया जाएगा। मुंगेर के चंडी स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के मुंगेर जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर स्थित देश के 52 शक्तिपीठों में से एक माँ चंडिका स्थान का ये स्थान है। यहाँ माता सती की बाई आंख की पूजा होती है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के 52 टुकड़े किए थे तो उनका बाया नेत्र यहीं गिरा था। इसके साथ ही द्वापर युग में राजा कर्ण और विक्रमादित्य के कथाओं में भी चंडी स्थान का जिक्र है। यहाँ आंखों के असाध्य रोग से पीड़ित लोग पूजा करने आते हैं और काजल लेकर जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ का काजल नेत्र रोगियों के विकार को दूर कर देता है। बिहार के कई जिलों में तेज बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल और नेपाल से सटे कुछ जिलों में पिछले करीब 15 दिनों से लगभग हर रोज बारिश को देखने को मिल रही है, लेकिन मध्य पश्चिम और दक्षिण बिहार का इलाका अब तक जोरदार बारिश की राह देख रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि फिलहाल बिहार में मानसून काफी कमजोर पड़ गया है, इसलिए दक्षिण बिहार में बारिश में कमी देखी जा रही है। बिहार के इलाके को बारिश के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, ये कहना भी थोड़ा सा मुश्किल बताया जा रहा है। हालांकि इन सबके बीच मौसम विज्ञानियों की माने तो पटना, भोजपुर, छपरा, गया में बारिश को लेकर संशय की स्थिति बरकरार है। हालांकि कुछ जिलों में लगातार बारिश देखने को मिल रही है। पटना जू में जल्द आएगा एक और नन्हा मेहमान। संजय गांधी जैविक उद्यान में इन दिनों जुराफ के कुनबे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आलम कुछ यूं है कि हर साल 2 से 3 नन्हे जुराफ जू में जन्म ले रहे हैं। अभी जू में जुराफ की संख्या 7 है। जल्दी एक और नन्हे जुराफ का आगमन होने वाला है, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 8 हो जाएगी। इनकी बढ़ी संख्या से पटना जू के मैसूर जू को पीछे छोड़ देगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस उपलब्धि के पीछे जू के जंतु प्रक्षेत्र के रेंज ऑफिसर आनंद कुमार की बड़ी भूमिका है। जिराफ को उसके वातावरण का माहौल दिया गया है। रखरखाव के प्रति सतत निगरानी बरती जा रही है, जिसके कारण प्रजनन सफल हो रहा है और इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है। इनकी बढ़ती संख्या को देखते हुए अब केज को बड़ा कर दिया गया है। राजधानी पटना में तैयार हो रहा है भव्य परीक्षा भवन। बिहार की राजधानी पटना के कुम्हरार में 25,000 छात्र छात्राओं के लिए एक साथ परीक्षा लेने के लिए परीक्षा भवन का निर्माण किया जा रहा है। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का भवन होने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसकी खासियत यह है कि ये भवन G+5 होगा। इसमें 3 ब्लॉक होंगे और 64 परीक्षाएं हॉल होंगी। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के बाद निर्देश दिया है कि दिसंबर 2022 तक इसे पूरा कर लिया जाए। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस प्रोजेक्ट पर 261 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस राशि में A, B और C तीनों ब्लॉक सहित बैरक और रहने का मकान बनाया जाना है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मैट्रिक परीक्षा के समय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कई अलग अलग जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाने पड़े थे। इससे परीक्षार्थियों और बोर्ड को भी परेशानी हुई थी, लेकिन अब ये समस्या दूर हो जाएगी। इस भवन के निर्माण में लगी एजेंसी दीपांशु प्रमोटर और बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड रांची में है। ट्रेन के रद्द होने के 72 घंटे के भीतर ले रिफंड। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पिछले दिनों पूरे देश भर समेत पूर्व मध्य रेल के क्षेत्र में चलाई जाने वाली सैकड़ों ट्रेनें अलग अलग तारीख में रद्द कर दी गई थी। ऐसे में रेलवे द्वारा रद्द किए गए ऑफलाइन टिकट का रिफंड यात्रियों को हर हाल में 3 दिन यानी कि 72 घंटों के भीतर लेना जरूरी है। इसको लेकर पूर्व मध्य रेल के CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि रेलवे की तरफ से ट्रेनों को रद्द किए जाने के समय से 72 घंटे के भीतर रिफंड लेना जरूरी है। ऑफलाइन टिकट लेने वाले टिकट काउंटर पर जाकर रिफंड निर्धारित अवधि में ले लेंगे। साथ ही रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके भी टिकट रद्द कराने की सुविधा है। इसमें जरूरी है कि आरक्षण की पर्ची में जो नंबर भरा गया है उसी से टिकट रद्द होगा। जदयू भाजपा के नेताओं से सुशील मोदी ने की खास अपील। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन बिहार के NDA घटक दलों के राज्य स्तरीय शीर्ष नेताओं से एक खास अपील की है, जिसके तहत उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी बंद करने की नसीहत दी है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी मामले पर सार्वजनिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप की वजह मिल बैठकर समाधान निकालने की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों से अग्निवीर कानून व्यवस्था, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप से राज्य का माहौल खराब हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि राजद कांग्रेस से लड़ने के बजाय
एनडीए के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। किसी एक विभाग की सफलता या विफलता के लिए केवल उस विभाग का मंत्री ही जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि पूरी सरकार की जिम्मेदारी होती है। हिना शहाब ने दिया राजद को बड़ा झटका। दिवंगत लोकसभा सदस्य रह चुके शहाबुद्दीन की पत्नी की राजनीति में एंट्री को लेकर खूब चर्चा हो रही थी। हालांकि चर्चाएं तो ये भी थी कि राजद हिना शहाब को राज्यसभा की टिकट देगी ही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद ही अब हिना शहाब ने राजद को करारा झटका दिया है, जिसके तहत ही बीते दिन उन्होंने पार्टी में नहीं होने की बात कही है। संवाददाताओं से बात करते हुए हिना ने कहा कि इस समय किसी पार्टी में नहीं है। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना को लेकर पिछले लंबे अरसे से राजद से अलग थलग होने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर अब हिना का बड़ा बयान सामने आया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हिना शहाब का ये बयान बीते दिन मीडिया से बातचीत के क्रम में आया है। अग्निपथ पर तेजस्वी ने की दिल की बात। बिहार में अग्निपथ योजना का विरोध छात्रों की तरफ से जरूर थम गया हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का विरोध अभी भी बरकरार है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने आज योजना के खिलाफ सत्याग्रह करने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक के ऊपर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने केंद्र की तरफ से लागू की गई नई अग्निपथ नीति को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार 17 साल से न दौराहे पर और न ही चौराहे पर खड़ी दिखती है, बल्कि पूरी तरह दिशाहीन हो चुकी है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के 40 लोकसभा सांसदों के रहते हुए युवाओं के हितों के साथ मजाक होने दिया जा रहा है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने लिखा कि बिहार में बेरोजगारी की समस्या आसमान छू रही है। एक तरफ बिहार का युवा हताश, निराश और परेशान है, तो दूसरी तरफ डबल इंजन सरकार का सरकारी नौकरियां समाप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य है। भाजपा नेता संबित पात्रा ने बिहार को लेकर कही कई बातें। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं। इसी बीच अब संबित पात्रा ने रविवार को बिहार को लेकर कई बातें कही, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, आपातकाल के खिलाफ आंदोलन के शंखनाद की भूमि रही है बिहार, और मुझे आज ही बिहार आने का मौका मिला है। आपातकाल के दौरान देश के आम लोगों को अनेकों यातनाएं झेलनी पड़ी। बिहार से ही आपातकाल के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और तत्कालीन कांग्रेस की सरकार को जाना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में कहा कि किस प्रकार से हम सबों के माता पिता ने आपातकाल के संघर्ष के बाद लोकतंत्र को फिर से स्थापित किया। ये बिहार की भूमि की पावन मिट्टी है, लोकतंत्र का शंखनाद यहीं से हुआ था। अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना छात्रों के हित में तो लाई गई, लेकिन बिहार समेत कई राज्यों के अभ्यर्थियों को ये रास नहीं आया, जिसके बाद ही बिहार समेत कई जगहों पर विरोध देखने को मिला। हालांकि उम्मीद थी कि अग्निपथ को लेकर शुरू हुआ विरोध अब थम गया है, लेकिन अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इस बाबत कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने रविवार को कहा कि अग्निपथ देश के युवाओं और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है, इसीलिए कांग्रेस ने 27 जून को बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ से देश को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, इसलिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार से इस योजना को वापस लेने की मांग की है। हम अग्निपथ के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा और हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह करेंगे। भाजपा के दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ ने आजमगढ़ में लहराया परचम। बीते दिन आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने अपना परचम लहराया है। आजमगढ़ से भाजपा के दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ चुनाव जीतने में कामयाब रहे और सपा के धर्मेंद्र यादव को 10,000 वोटों से चुनाव हराने में कामयाब रहे, जिसके बाद ही निरहुआ ने ट्वीट जारी करते हुए जनता का धन्यवाद किया, जिसके तहत इन्होंने लिखा कि जनता की जीत, आजमगढ़ वासियों आपने कमाल कर दिया, ये आपकी जीत है। उपचुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही जिस तरीके से आप सब ने भाजपा को प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया, ये उसकी जीत है। ये जीत आपके भरोसे और देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत को समर्पित है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। महिलाओं की पहली पत्रिका 1693 में लेडीज मर्क्यूरी लंदन में प्रकाशित हुई। भारत और पाकिस्तान ने 2008 में ईरान से आने वाली गैस पाइपलाइन परियोजना को चालू करने के लिए आ रही रुकावटों को हल किया। भारत के फिल्म इतिहास में अपना एक खास मुकाम रखने वाले सत्यजीत रॉय की तस्वीर को संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में अपने मुख्यालय में प्रदर्शित करने का फैसला किया। राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 1838 में हुआ। हिंदी फिल्मों के संगीतकार राहुल देव बर्मन का जन्म 1939 में हुआ। उड़नपरी के नाम से दुनिया भर में पहचान बनाने वाली पीटी उषा का जन्म 1964 में हुआ। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध सिखों के महाराजा रणजीत सिंह का निधन 1839 में हुआ। रणजी ट्रॉफी का पहली बार चैंपियन बना मध्य प्रदेश। रणजी ट्रॉफी के 88 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश चैंपियन बना है। इससे पहले वो 1999 में रणजी ट्रॉफी जीतने से चूक गया था, तब उसे फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। पहली बार रणजी चैंपियन बनने के बाद मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने मैदान में जमकर जश्न मनाया। खिलाड़ियों ने अपने कोच चंद्रकांत पंडित को कंधे पर उठा लिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रणजी ट्रॉफी 2022 के फाइनल मुकाबले में मुंबई और मध्य प्रदेश का आमना सामना हुआ। इस मुकाबले में मध्य प्रदेश ने 6 विकेट से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही मध्य प्रदेश को अपनी पहली रणजी ट्रॉफी मिली है। 5G में 2027 के अंत तक कितने प्रतिशत मोबाइल सब्सक्रिप्शन का करेगा प्रतिनिधित्व।
लगभग 500 मिलियन सबस्टेशन के साथ 5G भारत में इस साल 2027 के अंत तक 39% मोबाइल सब्सक्रिप्शन का प्रतिनिधित्व करने वाला है। इसको लेकर एक रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है। एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट के लेटेस्ट एडिशन के अनुसार 4G सब्सक्रिप्शन के 2027 के अनुमानित 700 मिलियन सब सुरक्षित तक सालाना घटने का अनुमान है, क्योंकि सब्सक्राइबर भारत में 5G की शुरुआत के बाद 5G में माइग्रेट हो रहे हैं। एरिक्सन के कार्यकारी उपाध्यक्ष और नेटवर्क के प्रमुख फ्रेडरिक जेस्लिंग ने हाल ही में एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लेटेस्ट एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट 5G को अब तक की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मोबाइल के रूप में पुष्टि करती है और एरिक्सन इसे बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अर्जुन कपूर के जन्मदिन पर मलाइका अरोड़ा ने लिखा खास नोट। बीते लंबे समय से मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप की चर्चाओं से घिरे रहे हैं। इस बीच अर्जुन कपूर के जन्मदिन के मौके पर मलाइका अरोड़ा ने एक खास पोस्ट शेयर करके इस बात को और ज्यादा हवा दे दी है, जिसके तहत अर्जुन कपूर के जन्मदिन के मौके पर मलाइका अरोड़ा ने कुछ तस्वीरें और वीडियोज पोस्ट करके उन्हें बधाई दी, जिसके साथ ही उन्होंने एक नोट भी लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि एक विश मांगो माई लव, ईश्वर करे आपकी सभी सपने और मनोकामनाएं पूरी हो जाए, हैप्पी बर्थडे अर्जुन कपूर। पोस्ट में मलाइका ने अभिनेता को भी टैग किया है, जिस पर कई सितारों ने भी प्रतिक्रिया दी है और अर्जुन कपूर को बर्थडे विश किया है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 26 जून को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,580 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 51,900 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 59,800 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 107.58 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 98.59 रुपए प्रति लीटर थे। मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी है सीएम नीतीश। बीते दिन बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने मुसलमानों के हितों को लेकर कई बातें कही, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा, उन्होंने ही 18% मुसलमानों का वजूद मिटाने की साजिश की। इसलिए मैं मुसलमानों से अनुरोध करता हूं कि अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए नीतीश कुमार के साथ आ जाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट की परवाह नहीं करते, पिछले विधानसभा चुनाव में भी मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया, फिर भी नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई जिसमें काफी लाभ मिला है। कमोबेश जमा खान ने इशारों में राजद को वोट ना देने की अपील भी की है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, गौतम कुमार, सलीम भाई, इंद्र कुमार पासवान, नुन्नू कुमार, बबिता यादव, कृष्णा गिरी, शंकर मुखिया, विजय कुमार, विजय सिंह, अति खान, राजीव कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके जिले में सबसे मशहूर और स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।